पेशकश पानी पर माई में आपका स्वागत है। और इस खास पेशकश में कोई भी बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाते हैं, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। जी हाँ, तो आपने क्या कभी किसी को पानी पर चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ये तस्वीर जबलपुर के नर्मदा घाट से आई है, जहाँ एक बुजुर्ग महिला पानी पर चल रही है। फिर से आप इस वीडियो को देखिए। तो अब इस वीडियो की आगे की कहानी, जब ये बात फैली तो नर्मदा घाटी के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और दूर दूर से बुजुर्ग महिला के दर्शन के लिए आना शुरू हो गए। भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आस्था किस कदर हावी है। लोगों का मानना है कि माताजी को मां नर्मदा की सिद्धि प्राप्त है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जब माताजी नर्मदा नदी में स्नान करती हैं तो उनके कपड़े भी गीले नहीं होते। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मगरमच्छ भी उनके पास आ जाते हैं, लेकिन उन्हें छुए बिना कुछ किए ही वापस चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए आ रही हैं, तो वहीं उस बुजुर्ग माता की ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वो नर्मदा में पानी के ऊपर चल रही हैं। दरअसल पानी में चलकर नर्मदा को पार किया है, लेकिन इसके बाद से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। क्या महिला के पास कोई दैविक सिद्धि है? और जिस तरह से ये महिला जब चल रही है तो इसको देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया और हर कोई इस नदी में चल रही बुजुर्ग माता के साथ फोटो लेना चाह रहा था, हर कोई उनके दर्शन करना चाह रहा था। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे संभव है? तो ये तमाम तरह से आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उनको चलते हुए देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये बुजुर्ग महिला नर्मदा नदी पार कर रही थी तो वहाँ काफ़ी लोग पहुँचे और उन्होंने सामने से इस चीज़ को देखा और उसके वीडियो भी बनाए और उसके बाद से ये वीडियो वायरल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या ये अंधविश्वास है या वाकई इस महिला के पास कोई सिद्धि है? सवाल तमाम हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लोगों का हुजूम है, तो वहीं पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ संभाल पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। और अचानक से जब इस तरह से भीड़ पहुंची तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने जाकर मोर्चा संभाला, जहां भीड़ को थोड़ा सा अलग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? क्या ये वाकई अंधविश्वास है या फिर कोई इस बुजुर्ग महिला के पास सिद्धि है? और तमाम तरह की बातें भी इस वीडियो के बाद इस बुजुर्ग महिला के बारे में कही जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब ये बुजुर्ग महिला नर्मदा में स्नान करती हैं तो इनके कपड़े भी गीले नहीं होते। तो वहीं बंसल न्यूज की टीम ने भी इन सब बुजुर्ग महिला से खास बातचीत की है, लेकिन खास बातचीत करने से पहले आपको एक बार फिर से वही वीडियो दिखाते हैं। Hey!
तो जब बंसल न्यूज की टीम इस बुजुर्ग महिला की तलाश करते हुए उन तक पहुंची तो तफ्तीश के लिए जब बंसल न्यूज की टीम पहुंची तो कई जानकारियां मिली। हमारे हाथ में एक FIR की कॉपी भी लगी है, FIR पिपरिया थाने की है, जिसमें महिला के बेटे ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसमें लिखा है कि ज्योति बाई मानसिक रूप से बीमार है। मई 2022 से घर से बिना बताए ही वो चली गई हैं। तो वहीं बंसल न्यूज ने उस महिला से भी खास बातचीत की। संस्कारधानी जबलपुर में एक ऐसी माता जी का जिक्र है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो माँ नर्मदा पे पैदल चल सकती हैं। साथ ही हाल ही में मगर उनके पैर को छू के गए लेकिन मगर ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसी तमाम बातें हैं जो इन माता जी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्वयं माता जी हैं, उनसे ही सीधी बात करता हूँ। माता जी, आपको लोग देवी के रूप में पूज रहे हैं, माँ नर्मदा का अवतार मान रहे हैं। हाँ बेटा, मेरे को देवी के रूप में मान रहे हैं लेकिन मैं मेरी माँ के नर्मदा के नाम से ये धर्म के काम करती हूँ कि सभी के दुख दूर हों। तो मेरी नर्मदा सबके दुख दूर करती है तो इसलिए मेरे को देवी रूप में सभी देख रहे हैं लेकिन मैं देवी हूँ नहीं। चमत्कारिक शक्तियाँ हैं आपके पास, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आप नर्मदा में पैदल चलती हैं, साथ में आप जब नहाने जाती हैं तो आपके वस्त्र नहीं भीगते हैं। तो कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपके अंदर वाकई में कोई चमत्कार है, क्या माँ नर्मदा का कोई ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है? बेटा वो तो मेरे को, मैंने जब परिक्रमा शुरू की थी उसी दिन स्वप्न हुआ था और जल में आवाज़ आती है मेरे को ऐसे कि स्वयं मेरे से माँ बात कर रही है बस। लेकिन मैं मेरे को कुछ नहीं मानती कि मैं कुछ नहीं हूँ बेटा। आपके बेटे ने एक शिकायत भी थाने में दर्ज कराई है कि मेरी माँ लापता है, गुमशुदा है। बेटा मेरे बेटे का कहना था कि चाहे 20,000 लग जाए चाहे 30,000 रुपए लग जाए, माँ तुमको हम बस से परिक्रमा कराएंगे जो बस परिक्रमा की चलती है। मेरा कहना था कि जीवन में कभी भी परिक्रमा करूँगी तो माँ के पैदल करूँगी और माँ के किनारे ही करूँगी, तो करूँगी नहीं करूँगी। तो मेरे बेटे आने नहीं देते थे, बस में भेजते थे, मेरे को बस में आना नहीं था इसलिए मैं बगैर बताए निकल पड़ी। और आज हजारों और लाखों की संख्या में जो जनता है इनके साथ चल रही है, कहीं ना कहीं ये उनका भरोसा है कि माँ के अंदर चमत्कारिक शक्ति है। हालांकि हम इस अंधविश्वास कहें या इसको आस्था कहें, हम इस बात पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सोनी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला नर्मदा पर पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है, नदी के पानी के ऊपर पैदल चलती दिखाई दे रही है। आपने जाकर तफ्तीश भी की, क्या कुछ वहां जानकारी मिल पाई और अभी तक क्या कुछ जानकारी जुटा पाए हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये अंधविश्वास है या वाकई कोई दैवीय शक्ति है? बेशक दिनेश, आपको बताना चाहूँगा कि माँ नर्मदा में पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की आस्था है और उस आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला है जहाँ पे एक हफ्ते पहले ये पूरा सीन शुरू होता है। कुछ लोग एक वीडियो बनाते हैं, एक सहपुरा जबलपुर से नज़दीकी तहसील है वहाँ पे से ये वीडियो रिलीज़ होता है कि एक महिला है जो नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली है और वो नर्मदा में पैदल चल रही है बिना डूबे। साथ ही एक कुछ और, एक देखते ही देखते एक के बाद तीन चार बातें सामने आती कि ये महिला जब नहाती है तो जिसके कपड़े नहीं भीगते, महज बाल अकेले भीगते हैं। साथ ही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि झांसी घाट यानी जबलपुर से लगा ही एक नर्मदा का घाट है, झांसी घाट पर कुछ मगर भी आए लेकिन इस महिला को खरोश भी नहीं आई, मगरों ने इन पर हमला भी नहीं किया। तमाम बातें जुड़ते जुड़ते एक हफ्ते के अंदर आज ये है कि इस महिला के पीछे जो रहने वाली बेसिकली पिपरिया की है, ज्योति रघुवंशी इनका नाम है, नाम अब लोगों ने भी इनका रख दिया है, माँ रेवा के नाम से भी इनको मशहूर होते जा रही है। दिखते ही देखते इनके पीछे एक के बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही तो आज जनता इनके साथ, लाखों की जनता इनके साथ एक बात और जानना चाहेंगे, लोग जब इनके पास पहुंच रहे हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ मन्नतें लेकर वहां पहुंच रहे हैं या लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं?
दिनेश, तमाम हमारे लोगों से बात हुई, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने इनका चमत्कार नहीं देखा है, लेकिन लोगों से जो बात है सुनी जरूर है। सोशल मीडिया पर जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, उसमें चलते हुए नज़र आ रही, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। ये सब तमाम चीज़ें जाँच का विषय है। लोगों ने इनका चमत्कार नहीं देखा है, लेकिन ये जरूर है कि लोग आपस में ये बात करते नज़र आते हैं कि हमने इन ये माँ के पास ये ताकत है, ये नर्मदा जी का अवतार है, नर्मदा जी की विशेष शक्तियाँ हैं इनके पास, जिसको ये छी देती हैं तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तमाम चीज़ें जो हैं ये चल रही है। हालांकि एक बड़ी अपडेट भी आपको बता देता हूं कि माता जी को जब जैसे ही आज जबलपुर पहुंचती है, गौरी घाट ये पहुंचती है, हजारों की संख्या इनके पीछे जो आम लोग हैं वो कही सुनी बातें या बोल सकते हैं कि एक ने बोला, एक ने दूसरे से बोला, इससे करते करते एक चेन देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ बढ़ गई इनके पास, और पुलिस को भी संभालना मुश्किल यहाँ पे हो नज़र आया। तब उसके बाद पुलिस के पास एक FIR पहुँचती, जो हमने हाल ही में अपनी खबर में भी दिखाई है कि ये महिला पिपरिया थाने से जो है गुमशुदा है। उसके बाद इस महिला को बाकायदा यहाँ से ले जाकर जो है पिपरिया पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा, कि कुछ ही देर में पिपरिया भी पहुंच जाएंगी। सोम, जिस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची, क्या कुछ वहां स्थिति बन रही थी, क्या लोगों से ज़्यादा परेशानी इस महिला को हो रही थी, और जिस तरह से जो FIR हमने दिखाई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुमशुदगी की इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो क्या अब इन्हें घर भी पहुँचाया जाएगा? बेशक दिनेश, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि नर्मदा को लेकर के लोगों की एक बड़ी आस्था है, नर्मदा को माँ के रूप में देखा जाता, पूरे देश इस माँ नर्मदा को माँ के रूप में देखता है, वही इस नर्मदा से जुड़ी ये महिला है, और जिसको लोगों ने धीरे धीरे एक के बाद एक भ्रांतियाँ फैलाते हुए ये रूमर भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी आगे हम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्यकांत जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक जबलपुर का जो वीडियो वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला नर्मदा नदी पर पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पानी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये दैवीय शक्ति है, कोई इसे चमत्कार बता रहा है। किस तरह से इसे देख सकते हैं, और इस तरह के जो वीडियो हैं या इस तरह की जो स्थितियाँ बनती है वो आखिर कैसे बनती है? देखिए, आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबसे पहले तो उसकी सत्यता पुष्टि होने के पहले किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना भी मुझे लगता है ऊर्जा का ह्रास है, क्योंकि आजकल जो भी सोशल मीडिया में वायरल होता है जरूरी नहीं है कि वो कंटेंट बहुत ही ज्यादा उसमें कोई सच्चाई से वाकिफ हो या एडिटिंग है कि नहीं है। सबसे पहले तो मुझे लगता है इस बात पर जांच होनी चाहिए। दूसरा, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वहां पर गहराई क्या कैसे है, वैज्ञानिक आधार तो होना ही चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि मेरे नीचे 200 फीट पानी है और मैं उस पर पैदल चल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये वैज्ञानिक रूप से कहीं तक ये बात सत्य हो सकती है। तो इसकी प्रामाणिकता के बारे में पहले अनुमान लगाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि चूंकि भारत जो है आस्था पर और ऐसी दैवी शक्तियों पर बिलीव करने वाला देश रहा है, लेकिन फिर भी जागरूकता के उद्देश्य से हमें मीडिया को इस बारे में बात करनी चाहिए कि पुष्टि के बिना अनावश्यक अंधविश्वास से बचें कि हम वहां पर अंधविश्वास के चलते कोई पूजा शुरू हो जाए, कोई जाम लग जाए, कोई उनसे मिलने के लिए सड़कों में एक समस्या खड़ी हो जाए, इस चीज से भी बचाना एक मुझे लगता है बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो वीडियो सामने आया, और जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला नर्मदा नदी पर पार करती हुई दिखाई दे रही है, इसमें साफ तौर पर अभी यही सोच सकते हैं, खास करके जिस तरह से मनोचिकित्सक ने बताया कि इस तरह की पहले वीडियो का पुष्टि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। खास करके उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किसी भी तरह का काम इसमें संभव हो सकता है, जो लोग उसे देखकर चमत्कार समझ सकते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से ये वीडियो पूरा सामने आया है, उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं, और कोई इसे दैवीय शक्ति मान रहा है और कोई इसे चमत्कार भी समझ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ बात दिमाग में हमें रखना चाहिए कि किसी भी चीज को जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी ने कही है बात, चमत्कार मदारी की तरह नहीं होते, डुगडुगी बजा के चमत्कार नहीं होते हैं, और भारतीय सनातन परंपरा को जो समझते हैं वहां इस तरह के चमत्कारों को बहुत निंदनीय भी बताया गया है कि जो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ कोई तत्व ना हो
उसको चमत्कार को निंदनीय माना गया है जो व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसे अनेक उदाहरण है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का एक उदाहरण है कि एक साधक ने उनसे कहा कि आप नाव का इंतजार कर रहे हैं, मैं तो नदी पर चल सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये नाव पार करने में 10 पैसे लगते हैं, आपने कितने वर्ष सिद्धि के लिए किए? तो उन्होंने कहा मैंने 15 वर्ष 20 वर्षों में हासिल की। तो उन्होंने कहा जो काम 15 पैसे में हो जाता है उसके लिए आपने 15 वर्ष लगा दिए। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है। अब ये महिला जिस तरह से चल रही है ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वहां नर्मदा जी का स्वरूप उथला है, और निश्चित तौर पर लोग डरते हैं, भयग्रस्त होते हैं, या कई बार कुछ इन्हीं में से चतुर लोग ये चाहते हैं कि इस महिला को एक देवी के रूप में प्रचारित किया जाए। उनके अपने निहितार्थ भी होते हैं कि इस क्षेत्र में दुकानें लग जाएंगी, इस क्षेत्र में अचानक से उनका काम चल निकलेगा, इस महिला को देवी रूप में प्रचारित करके वो फायदा उठा लेंगे। क्योंकि साफ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे इस वीडियो को थोड़ा सा पहले भी देखेंगे, तो कुछ लोग उस महिला के पीछे चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उस महिला के पैर रखने पर पानी ऊपर उछल रहा है वो बता रहा है कि नीचे जो जिस पर वो चल रही है उसके नीचे कोई ठोस जमीन है। तो ये रेतीला तट हो सकता है, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो चुका है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके विरुद्ध FIR की बात है, मिसिंग है, और जिस तरह से उनकी मुस्कुराहट है वो बताता है कि वो किसी व्याधि से भी ग्रस्त हो सकती है। लेकिन भारत मान्यताओं का देश है, यहाँ बहुत जल्दी हम सब एक चमत्कार की मान्यता लेकर चलते हैं, और यही वजह है कि कहीं पर्चियों से समाधान हो रहा है, पर्चे लिखकर समाधान हो रहा है, कहीं कानपुर के एक बाबा हैं जिनका शुल्क की रेट ही बहुत अधिक है और वो सब बताते हैं आंख बंद करके ये देख लो। इन चीजों से हमें धीरे धीरे बचकर निकलने की भी आवश्यकता है। ये चीजें चमत्कार के रूप में दर्शाई जाए तभी ईश्वर की सत्ता है, ऐसी भी दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता है, इन सारी चीजों से बचने की भी आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस और प्रशासन को भी तथ्यात्मक जानकारी लोगों के सामने रखनी चाहिए कि इन महिला का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनकी मान्यताएं जो हैं वो उनकी पुष्टि नहीं। आप देखिए पीछे कुछ लोग चल रहे हैं ये वीडियो में, अगर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि वो दिखाएं इसको लगातार, तो ये नर्मदा नदी जी का उथला तट भी हो सकता है। ये बात है, और मैं अमित से जरूर ये जानना चाहूंगा, अमित आपने भी बात की, जो लोग थे आसपास आप कह रहे थे किसी ने भी चमत्कार देखा नहीं है, तो सब बस चल गई, अब वो गोली चली है या कोई खोटी चवन्नी चली है, इसी मान्यता पे लोग संचालित हो रहे हैं क्या? जी, आपका कहना सही है कि लोगों ने खुद चमत्कार नहीं देखे, लोगों ने कहा सुना है कि मैं ये माता जी को मगर नहीं खाता, मगर पैर छू के चला गया, झांसी घाट में ये था माता जी, रात में 4 बजे नर्मदा जी में जब नहाने जाती हैं तो उनका शरीर नहीं भीगता, महज बाल भीगते हैं, ना ही कपड़े भीगते हैं उनके, और नदी में पैदल चलती है। तमाम चीज़ें हमने आज पूरे दिन इस बात को एनालाइज किया है कि ये जो आपने जो बताया कि ये घर जो जहाँ ये चल रही हैं वहाँ पे नर्मदा का जल स्तर उतला है, झांसी घाट और शहपुरा के बीच का ये नज़ारा था जब लोगों ने वीडियो बनाया। ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि ये इस तरह से प्रोपोगंडा करके कहीं ना कहीं दुकानें सज जाएंगी, नारियल बिकने लगेंगे, चुनरियाँ बिकने लगेंगी, तमाम चीज़ें इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इनको खारिज नहीं किया जा सकता। एक माहौल इस तरह का क्रिएट जो है बनाया गया है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। जी बिल्कुल, आप इसमें और अपडेट हमारे सामने लेकर आइएगा, पिपरिया पुलिस से बात करिएगा, और अगर जबलपुर उनका पुत्र अपनी माता को लेने आया हो और जबलपुर और पिपरिया पुलिस के बीच में संवाद हो तो वो तथ्यात्मक जानकारी भी हमारे पास प्रस्तुत करिएगा, क्योंकि ऐसी खबरों में तथ्यात्मक चीजें प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है। जी चलिए शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुभम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये वीडियो जो प्रसारित किया गया और जो तमाम बातें हमें जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी तक ये जो चमत्कार है वो किसी ने आंखों से नहीं देखा है, तमाम उनके बारे में जो बातें या भ्रम फैलाया जा रहा है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत भी हो सकता है। जैसा कि शरद जी ने कहा कि आस्था के नाम पर दुकानें लगाने का एक जो साधन बनाने की यह कोशिश भी ये वीडियो के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि अब प्रशासन किस तरह से इस पर एक्शन लेता है और वाकई प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो सही सटीक जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में लोग ना रहें।
तो चलिए एक बार फिर से आपको वही पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से इस वीडियो के प्रचारित होने के बाद, वायरल होने के बाद लोगों में एक आस्था का माहौल बन गया और लोग इस बुजुर्ग महिला को सिद्धि प्राप्त महिला समझकर उनके दर्शनों के लिए, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे हैं। कुत्ता